हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सत्ता की साझेदारी, जो कि इमरान खान जी ने कमेंट किया है कि सर सत्ता की साझेदारी नामक चैप्टर के अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को करा दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज के इस वीडियो में अति लघुत्तरी के सभी प्रश्नों को कराऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। और इसके पहले के वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया, इस कानून के तहत तमिल लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव किया गया। इसका आप उत्तर कैसे लिखेंगे कि श्रीलंका में एक कानून के तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली भाषा को। और तमिल भाषा को क्या कर दिया गया? दरकिनार यानी हटा दिया गया। कब? 1956 में। कब? 1956 में एक कानून बना जिसमें तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, और विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। बौद्ध मत को क्या दिया गया? संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग, डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग, चाहे वह जहां रहते हो यानी वह कहीं भी रहते हो, यदि उनकी भाषा डच है या फ्रेंच है या जर्मन भाषा में बोलते हैं, तो अपनी भाषा के आधार पर ही सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध किसे कहते हैं? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, एथनिक या जातीय से क्या तात्पर्य है? एथनिक या जातीय से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। कैसी संस्कृति पर? साझे की संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। अगला प्रश्न है इस चैप्टर का, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए, और इसका उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं, किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। कहने का अर्थ है किसी देश में शासन करने की जो शक्ति होती है सरकार की, और समाज के जो अलग अलग समुदायों में या वर्गों में या लोगों में बंटवारा करके शासन करती है, उसी को क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी। अगला प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर हो जाएगा कि वह व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय अपने मन चाहे ढंग से शासन करे, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की
जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना करे बहुसंख्यक वाद कहलाता है। कहने का अर्थ है जिस प्रथा को या जिस कानून को या जिस शासन को मानने वाले बहुत से यानी अधिक लोग होंगे वही बहुसंख्यक वाद कहलाएगा और जिसे मानने वाले कम होंगे वह दबा दिए जाएंगे अधिक लोगों के द्वारा, उनकी अवहेलना होगी, उनके नियमों की कानूनों की अवहेलना होगी। तो जहाँ पर अधिक जनसमूह एक ही पक्ष में हो वही बहुसंख्यकवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि श्रीलंका के सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा और इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। अगला प्रश्न है इस चैप्टर का, वैध सरकार से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए कि वह सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है क्या कहलाती है? वैध सरकार कहलाती है। जिसे जनता चुनती है वही वैध सरकार कहलाती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको महत्वपूर्ण वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक करके अपनी बोर्ड परीक्षा 2021 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, अपना और अपने माता पिता व परिवार का ध्यान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।